Hey guys, subscribe Jelly Dude channel and press the bell icon for the new video. हेलो गाइज, मेरा नाम है अनिश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज का जो वीडियो है वो है रबड़ प्लांट के बारे में। तो मैं आपको 3 to 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रबड़ प्लांट दिखाने वाला हूं अपने इस वीडियो में। उसके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, उसके टेक केयर के बारे में बात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं दे रखा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको वीडियो की अपडेट आज जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो गाइस चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा पहला प्लांट है वो ब्लैक रबर प्लांट मैं लेके आया हूं। और रबर प्लांट में कई सारी वैरायटीज आती है, जैसे मैं बात करूं तो ग्रीन रबर प्लांट भी आपको मिल जाता है। वेरीगेटेड में 2 वैरायटी आती है, एक व्हाइट का शेड होता है और एक होता है रेड का शेड। और ग्रीन रबर प्लांट भी आता है, वो भी देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बाय करते हैं उससे भी। तो गाइज अगर आपको होम डेकोर के लिए कोई बहुत ही बेस्ट प्लांट चाहिए जो बहुत ही हार्डी हो और बिल्कुल भी उससे कोई फ़र्क ना पड़े किसी भी कंडीशन में, तो वो एक रबर प्लांट है। आप रबर प्लांट को किसी भी कंडीशन में रखते हैं, बहुत ईजिली ग्रो करता है ये। बस इस पर जो हल्की सी अगर लाइट आप देते हैं या फिर आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रखते हैं तो ये बहुत ईजिली और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप थोड़ा सा इससे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। आप इसमें जो खाद वगैरह है थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, मतलब आप महीने या फिर 2 महीने पर आप इसमें खाद वगैरह डालें तो भी ये आराम से चलता रहता है। बात करता हूँ इसकी सॉइल की, तो सॉइल हमेशा इसमें जो 2 तरह की मिट्टी आप यूज़ करें, एक तो आप सैंड सॉइल यूज़ करें और थोड़ी सी चिकनी मिट्टी यूज़ करें। 50-50% का कॉम्बिनेशन आप दोनों का रखिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि चिकनी मिट्टी में डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं आप देखिए, लीव्स इसके काफ़ी हेवी हैं और अगर हेवी लीव्स हैं तो इसका जो वेट होता है वो रूट संभाल नहीं पाता है। तो चिकनी मिट्टी ये रहेगी क्योंकि इसे होल्ड करके रखेगी इसके रूट्स को, क्योंकि आप देखिएगा रबर प्लांट जनरली एक तरफ झुकने लगता है और बहुत ज़्यादा पोरस अगर सॉइल हम रखते हैं तो वो थोड़ा संभाल नहीं पाते हैं रूट्स को, तो एक तरफ की तरफ वो बेंड होने लग जाते हैं। तो इस तरह के आप रबर प्लांट अपने होम डेकोर के लिए ज़रूर रखें, बहुत हार्डी प्लांट है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग लगभग 250 रुपये में आपको इस तरह के प्लांट्स मिल जाते हैं जिसमें 2 रूट्स होते हैं। ये देखिए ये 2 रूट्स हैं और जो प्राइसिंग है वो है 250 रुपये। अगर आप सिंगल प्लांट बाई करते हैं तो लगभग 150 रुपये में आपको ये रबड़ प्लांट बाई आप कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी का जो रेट होता है लगभग यही चलता है, तो इस तरह के प्लांट्स आप बाई कीजिए। गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्लांट बाई करना है और बहुत ही चीप प्राइस पर बाई करना है या ऑनलाइन बाई करना है, किसी भी तरह से अगर आपको कोई प्लांट की प्राइसिंग मालूम करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं वहां पर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं बता दूंगा आप वो प्लांट कहां से बाय कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आप किसी स्टोर पर विजिट करना चाहें तो मैं वो आपको सजेस्ट करता रहूंगा बीच बीच में। गाइज रबड़ प्लांट में 2 तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे वेरीगेटेड में, और वेरीगेटेड में एक लाइट रेड कलर का आता है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट रेड है, और एक वाइट शेड में भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह के रबड़ प्लांट थोड़े से यूनिक होते हैं, इस तरह के रबड़ प्लांट आप बाय कीजिए जो वेरीगेटेड हो और आराम से ये चलते हैं लॉन्ग टर्म और बहुत ही यूनिक लगते हैं। आप लीव्स के बैक साइड पर भी देखिएगा तो देखिए रेड कलर की लाइन आपको दिखेगी, इसके लीव्स में आपको लाइट रेड, लाइट ग्रीन और डीप रेड, मतलब कि ये सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं एक ही रबड़ प्लांट में। सिंगल प्लांट अगर आप बाय करते हैं तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा नहीं होती है, वो 150 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर आप छोटे हाइट के रबड़ प्लांट्स आप बाई करते हैं तो सस्ते होते हैं, वो आप 100 से 150 रुपये में आप बाई कर सकते हैं अगर छोटे रबड़ प्लांट होते हैं तो। बात करता हूँ इसकी अगर वाटरिंग की, तो आप वाटर इसमें थोड़ा कम डालेंगे तब भी चलेगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसके जो लीव्स इतने ज़्यादा हेवी होते हैं वो जो प्लांट है वो एक तरफ की तरफ बेंड होने लगेगा। तो थोड़ा सा पानी आप कंट्रोल डालिए इसमें, और खाद भी अगर आप डालना है तो 2-2 महीने पर आप सिंपल बर्मी कंपोस्ट और काउ डंग ये इसका कॉम्बिनेशन आप बना के डालते रहिए और आसानी से ग्रोथ पाता रहता है ये प्लांट।
कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो करता है, आप आराम से ऊपर से कट कर दीजिए, तो थोड़ा सा प्लांट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, और बट जो उसकी ग्रोथ है फिर उसके बाद आती है और साइड साइड से और बहुत सारा बुशी शेप में ये तैयार होता है। तो गाइज वेरीगेटेड में मेरा ये दूसरा प्लांट है, और जो ये प्लांट अगर आप देखिएगा तो इसमें जो ग्रीनिश है, जो लाइट ग्रीन या आप वाइट बोल सकते हो, वाइट बोला जाता है ऐसे, तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा कम होगा, तो बड़ा ही प्यारा लगता है ये प्लांट। जब ये प्लांट के जब जिसके जो स्टार्टिंग जो लीव्स होते हैं, जब शूट्स निकलते हैं तो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, तो लोग इस तरह के प्लांट्स ज़्यादा प्रिफर करते हैं इन कंपेयर मैं बात करूँ ब्लैक रबड़ प्लांट के, क्योंकि वेरीगेटेड, क्योंकि सबसे जो अच्छी बात ये होती है कि आपको एक ही प्लांट में कई सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो लोग इस तरह के प्लांट है जो वो बाय करते हैं। ये देखिए जो उसके जो ऊपर के जो लीव्स हैं वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, और फिर इसके बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे करके वो चेंज होने लग जाता है। तो इस तरह के रबड़ प्लांट आप बाय कीजिए, कोशिश कीजिए दो रबड़ प्लांट जिसमें हो उस तरह के रबड़ प्लांट आप थोड़े से बाय कीजिए, क्योंकि अगर दो होते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आप दो प्लांट आपको मिलते हैं 250 रुपये में, और आप इस तरह के प्लांट लगाइए घर पे और लॉन्ग टर्म चलते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो मैंने फ़ोन नंबर आपको दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, आपके स्क्रीन पर भी दे दिया है, और तो आप उसे कॉल करके भी आप कुछ प्लांट्स आप मंगा सकते हैं जो थोड़े से हार्डी होते हैं। गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।